तो हेलो नमस्कार। आज का वीडियो मेरा बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स के बारे में ये सोचते हैं कि मैथ्स लेने के बाद सिर्फ उनके पास एक ही कैरियर बचेगा, वो है इंजीनियरिंग। तो आईआईटी और ये नीट के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है मैथ्स के लिए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो नाइन्थ में मैथ्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि मैथ्स में और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने नॉर्मल मैथ्स लिया है। इसके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कंप्यूटर में अगर मुझको प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, और उसके लिए इंजीनियरिंग में जो स्ट्रीम है सीएस और आईटी का, इसको लेना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, ये बात गलत नहीं है। बट एक और ऑप्शन है कि अगर आपको कंप्यूटर पसंद है और आपको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है लेकिन आपको प्रोग्रामिंग करना पसंद है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मैथ्स ले लीजिए। कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होती है। मैथ्स बीएससी करने के बाद में आप एमसीए के लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं, और सीधा ये जो आपका प्रोग्रामिंग का सपना था वो फिर से पूरा हो जाएगा। बिना इंजीनियरिंग किए, बिना सीएसआईटी लिए आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन के निकलेंगे, है ना। और आप वो सारा कोडिंग डिकोडिंग जितना चीज़ है वो सारा कर सकते हैं, है ना। नीट जो है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे रायपुर और हर, मतलब मान के चलिए हर राज्य की एक राजधानी पर होता ही है, तो वो इनको कराते हैं एमसीए का, वो अच्छा खासा वहाँ पे हो जाता है, तो आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, तो प्रोडक्शन जब होगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, उसकी सेल्स भी होगी, कई कई चीज़ होती है। तो इसका एक ऑफिस होता है जो उसको पूरे प्लांट को रन करता है। इसमें हर चीज़ होता है, इसमें फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, इन सारे कर्मचारियों को मैनेज करने की क्षमता भी होती है। तो यहाँ जनरली मैनेजर बैठते हैं, तो जो मैनेजर बैठते हैं वो जनरली मैनेजमेंट संभालते हैं। तो जब भी वर्ड आता है मैनेजमेंट, तो लोगों को लगता है भाई एमबीए करने के लिए हमको तो बीबीए करना पड़ेगा, और बीबीए के लिए हमको कॉमर्स लेना ज़रूरी है, और कॉमर्स मतलब लेना मतलब आपको ट्वेल्थ में कॉमर्स प्लस, अब तो एट नाइन टेंथ में भी, मतलब सॉरी एट प्लस जो है नाइन टेंथ में भी कॉमर्स आ गया, मतलब हमको दो बार कॉमर्स चुनेंगे तब जाके हम मैनेजर बन पाएंगे। तो ये भी अब गलत है। आप कॉमर्स लेने की आपको कोई बाध्यता नहीं है, आप मैथ्स ही लीजिए। मैथ्स लेके कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, और बीबीए करके आप डायरेक्ट एमबीए में आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, ये अलग अलग है। ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इसके अंतर्गत 65 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ये क्यूट है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। जैसे ये जीजीएसआई, ये गुरु गोबिंद सिंह का इंद्रप्रस्थ वाला है। आईपी मैट है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ये रुड़की कराती है ना, रुड़की आईआईएम जो है उत्तराखंड में है शायद, वो भी ये कराती है। बोलने का मतलब कई सारे कॉलेजेस अब बीबीए कराते हैं, और ये उनकी खास बात ये है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। आप जब एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते, कौन लोग देते हैं, जो टेंथ ट्वेल्थ मैथ से किया ना वो सारे दे सकते हैं, और इसको निकालने के बाद आपको अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से बीबीए करने का चांस मिलता है, और फिर आप मैनेजमेंट में आ सकते हैं। तो ये सोचना कि मैथ्स वालों के लिए अब दरवाजे बंद हो गए एडमिनिस्ट्रेशन में, ये गलत है। आप भी एमबीए कर सकते हैं और मैनेजर बन सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। प्लांट के हिसाब से होते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होती है अगर अच्छे खासे प्लेसमेंट में गए तो, और अच्छे में गए किसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए तो हो सकता है 5 लाख से भी आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाए। तो बहुत बड़ा स्कोप मैथ्स वाले के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, कॉमर्स में जाने की आपको कोई तेज ज़रूरत नहीं है। अब ये एक सबसे बड़ा वेपन है मैथ्स वालों का, है ना, मैथ्स ये है, और एक स्टैटिस्टिक्स भी आएगा। ये दो नई चीज़ें और हैं, मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा। ये एक वेपन इसलिए बोला कि शुरू से इसमें ना, मतलब ये एक श्योर है, इसमें एक लाइन में खींच देता हूँ, मतलब ये स्ट्रेट है, इसमें सैलरी है, इसमें जॉब है, है ना, इसमें सिक्योरिटी है, मतलब ये मैथ्स वालों के लिए तो है ही है। ये कुछ नहीं बचा तो ये तो बन नहीं सकते हैं। एक अच्छा मैथ्स टीचर आप बन सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूजीसी का मैंने दिया है जिक्र किया कि वो एक टेस्ट कराती है नेट, इसको निकाल लेंगे तो आपको पैसे भी मिलते हैं एज ए सैलरी, और पढ़ाई भी करने का मौका मिलता है, आपको रिसर्च करना रहता है, और उसके आधार पर आपको पीएचडी तक की मतलब उपाधि मिलती है, फिर आप डॉक्टरेट आगे लगा सकते हैं, और फिर आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो मत पूछिए, प्रोफेसर की सैलरी बहुत हाई होती है। तो ये इनका मेन स्ट्रीम है, मतलब टीचर बनिए, लेक्चरर बनिए, या प्रोफेसर बनिए, एसोसिएट प्रोफेसर बनिए, ये मैथ्स वाले मैथ्स को तो पढ़ा ही सकते हैं। और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री वाले प्रोफेसर नहीं बनते, उनके लिए भी है। हिस्ट्री वाले प्रोफेसर हिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ्स की बात क्या है, मैथ्स की बात ये होती है कि थोड़ा सा इनका जो डिमांड होता है, अगर मैं बात करूँ कि कोई कॉलेज है तो कॉलेज में ना आप देखेंगे कि ना मैथ्स टीचर जो है, मैथ्स ऑलरेडी टफ है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी कॉलेज जो है वो प्रायोरिटी इसमें ज़्यादा देता है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, हो सकता है सरकारी में सब सेम हो, सैलरी पे स्केल तो सेम होता है, बट अगर आप मैथ्स है ना तो आपको प्राइवेट सेक्टर में एज ए मैथ्स टीचर, एज ए मैथ्स प्रोफेसर ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस। तो ये साइंस स्ट्रीम में ये फ़ायदा होता है, आपकी जॉब जल्दी सिक्योर हो जाती है। लैंग्वेजेस के टीचर का कॉम्पिटिशन बहुत होता है, बट मैथ्स अच्छे टीचर की कमी हमेशा रहती है। तो ये मैथमेटिशियंस के लिए एक अच्छा स्कोप है, अगर आपको टीचिंग, बोलना, पढ़ाना, डील करना पसंद है
तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये सारे एग्जाम अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो ह्यूमैनिटीज़ वाले भी करते हैं, है ना, मतलब जिसको पहले हम लोग आर्ट्स बोलते थे जिसमें कि बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते थे वो भी निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। यूपीएससी और जो स्टेट सर्विस कमीशन होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जब एक मेन आपको जब सब्जेक्ट लेना पड़ता है तो वहाँ पे मैथ्स लेना बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर उतना लिखना नहीं पड़ता है, उतना टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। मैथ्स वाले जिनका मैथ्स अच्छा है उनको पता है कि उनके अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा मैथ्स में मार्क्स कम कटेंगे, तो एक तो वो बेनिफिट होता है। प्लस गवर्नमेंट जॉब में जो भी एग्जाम होगा उसमें मैथ्स तो अच्छा खासा आता है एप्टीट्यूड के साथ में, तो वो भी प्लस पॉइंट होता है। क्यों प्लस पॉइंट होता है वो भी बता देता हूँ। जिसने बीएससी कर रखा है, है ना, मैथ्स में, वो क्यों कर रखा है, क्योंकि उसने ट्वेल्थ मैथ्स में लिया था। और ट्वेल्थ मैथ्स वाला कौन है, जिस बच्चे ने नाइन्थ में मैथ्स लिया था। आप इतना साल से मैथ्स पढ़ते पढ़ते अब यहाँ पहुँचे हैं और अब एग्ज़ाम में आपको ना यहाँ का मैथ्स आने वाला है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपको तो थोड़ा तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा ना। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई बीकॉम वाला बच्चा है, बीकॉम भी अच्छा है, मैथ्स रहता है, बट उसने वो अल्जेब्रा ये सब तो नहीं पढ़ा है अभी तीन साल, तो थोड़ा सा नाइन्थ टेंथ में जब वो जाएगा तो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू इसके इसको थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे कोई आर्ट्स का बच्चा है, बी कर लिया है, वो भी एग्ज़ाम देगा, बट उसने तो एट्थ में ही छोड़ दिया था मैथ्स को, तो एट्थ से टेंथ दो साल, फिर बारहवीं दो साल और तीन साल, मतलब सात साल से उस बच्चे का मैथ्स छूटा हुआ है, कौन, बीए वाले का, लेकिन उसके एग्जाम में मैथ्स आने वाला है। तो ये मेरा बोलने का मतलब है, रिज्यूमे यही कि अदर सब्जेक्ट वालों की अपेक्षा मैथ्स वाले को थोड़ा सा आसान पड़ता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो कई जगह मैंने देखा है कि मैथ्स और फिजिक्स क्लियर लिखा रहता है ट्वेल्थ में, इनके जोड़ के मार्क्स इतने होने चाहिए तभी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वो नौकरियां जिनमें कि गवर्नमेंट के अलावा कुछ प्राइवेट हीरो भी आ चुके हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये स्टील अथॉरिटी है, भारत संचार निगम है, तो ये सब इसरो है, डीआरडीओ एक बहुत बड़ी संस्था है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल, तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे भी जॉब होती हैं और उनको मैथ्स वालों को अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। डीआरडीओ में तो भर भर के मैथ्स रहता है, एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा मैथ्स रहता है, डीआरडीओ एक अच्छी है, इसमें हैदराबाद इसका सेंटर है, इसके बारे में किसी और दिन वीडियो में बताऊंगा। अच्छी खासी जॉब है, साइंटिस्ट टाइप की जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है और बहुत सैलरी से ज़्यादा जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो है कि उसमें फैसिलिटी, मतलब क्वार्टर्स लेके क्या का अलाउंस नहीं मिलता, आप सोच के आप हिल जाएंगे। एक ये नया आया है सांख्यिकी, मतलब गणना, गिनने वाला काम, अभी एक नया चीज़ आया है। ये क्या हो रहा है कि हर आजकल बहुत सारे सर्वे होते हैं और हर एक कंपनी में उनको जानना होता है उनका कितना प्रोडक्ट गया, क्या है मार्केट में, कितना है, कितना डिमांड है, कितने लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या पसंद है। एक कंपनी ने ए से लेके डी तक की चीज़ें बनाई, अब उसको पता करना है कि मार्केट में क्या है, सो सिर्फ सेल नहीं, सेल का आंकड़े से पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा सर डी जो है वो 10 बिका एक दिन में, ये 6 बिका, ये 5 बिका, ये 2 बिका, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो 10 बिका है यही प्रोडक्ट अच्छा है। हो सकता है स्टैटिस्टिक्स वाले बताएंगे बारीकी से कि सर जो डी 10 बिका है ना उसको 10 लोग आए थे, 10 लोगों ने ले लिया, बट ए जो था ना 30 लोग लेने आए थे लेकिन सिर्फ 2 ने खरीदा। इसका मतलब कि हो सकता है कि बाकी जो 28 है उनके बजट में नहीं था लेकिन 30 लोग इसको चुन रहे हैं, मतलब चीज़ तो ये अच्छा है। तो कंपनी को किस पे फोकस करना चाहिए, मैं बोलूँगा कि कंपनी को ए और डी दोनों पे फोकस करना चाहिए। डी जैसा है वैसा बना रहा है, अच्छी बात है क्योंकि इसकी मार्केटिंग है। ए को 2 लोग क्यों खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, हाँ लोगों के बस में नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं भाई इनको ईएमआई की फैसिलिटी दे दे, है ना। रेट कटिंग तो पॉसिबल नहीं हो सकता हर चीज़, मान लीजिए ए जो है वही आईफोन है तो आईफोन सिर्फ 2 ले पाए क्योंकि बहुत महंगा है, लेकिन 28 नहीं ले पाए तो हमको ईएमआई दे देना है। तो अब मान लीजिए जो डी है वो कोई मान लीजिए कोई Xiaomi का या MI का सेट है, लोग आया फटाक से खरीद के चल गए, लेकिन आईफोन तो महंगी है तो उसमें मार्जिन भी ज़्यादा है, तो कंपनी को ये सब जानकारी कौन देगा, ये सब जानकारी देता है स्टैटिस्टिक्स वाला, बहुत बारीकी से बताता है। अगर वो स्टैटिस्टिक्स आदमी नहीं रखेगा, कोई नॉर्मल आदमी रखेगा तो बोलेगा अरे भैया वो तो डी वाला जो है बहुत अच्छा बिक रहा है, तो कंपनी इसको शट डाउन कर देगी, इसको चलाएगी, ये एक लॉन्ग टाइम का चीज़ नहीं है ना, इसमें मार्जिन भी कम है। 10,000 का चीज़ मान लीजिए बिक रहा है, ये हो सकता है 9,000 रुपये कंपनी को खुद प्रोडक्ट में बनता हो, 1,000 रुपये बच के क्या कर लेंगे, इसके 1,00,000 से स्टार्ट होते हैं, हो सकता है कंपनी को 80,000 पड़ता होगा, 20,000 इसका मार्जिन है, इसका एक पीस में 20,000 मार्जिन आ रहा है, इसका एक पीस में सिर्फ 1K आ रहा है, तो कंपनी को तो इसमें फायदा है ना। बस करना क्या है, थोड़ा ईएमआई वाली चीज़ें कर देनी है, कोई भी ऑफर दे देगा, क्रेडिट कार्ड दे देगा फ्री में, बोलेगा किसी बैंक वाले को बोलेगा सर आप क्रेडिट कार्ड डालिए मैं 5% और डिस्काउंट करूँगा आईफोन में, लोग आपका क्रेडिट कार्ड और ज़्यादा कर देंगे। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स बताने वाले लोग हैं, बहुत बारीकी से नजर रखते हैं हर चीज़ पर। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे अनगिनत चीज़ होती हैं। अब इसके लिए पढ़ाई क्या हो सकता है कि बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन बायो स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, जैव वाले में भी गणना होती है ना। तो इसके लिए अलग से अगर बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसके लिए और डिप्ली बनाऊंगा। ये एक नया चीज़ है और अच्छी खासी सैलरी स्टार्ट होती है, 45,000 से मिनिमम स्टार्ट होती है, कई कई अगर जब बहुत आप बड़े हो जाएंगे तो 3,00,000 तक आपकी हो सकती है पर मंथ की सैलरी स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि जब तक आदमी सही जानकारी नहीं देगा कंपनी कैसे उस प्रोडक्ट को बना पाएगी।
इसके अलावा एक मार्केट रिसर्चर उसी टाइप का चीज़ है जो कि कंपनी मार्केट जो है प्रोडक्ट को देखता है और डेटा को एनालिसिस करता है, है ना। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस भी इसी से जुड़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के जैसा ही है, बट ये जनरली मार्केट को देखता है ना। वो जो स्टैटिस्टिक्स था ना वो नेता लोग भी रखते हैं, वो जनगणना वाले भी रखते हैं, वो न्यूज़ वाले भी रखते हैं, बट मार्केट रिसर्चर जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट के सेल के लिए होता है, कौन सा चीज़ कितना बिक रहा है। जो आईफोन वाला मैंने एग्जांपल दिया ना वो जनरली इसमें भी आ सकता है, मतलब इसका ही मेन है। स्टैटिस्टिक्स तो कोई भी चीज़, जैसे अब मोदी जी को चुनाव लड़ना है ना, मान लीजिए कांग्रेस भी है और वहाँ पे शिवसेना भी है और आम आदमी पार्टी भी है, अभी जो आजकल बहुत क्रेज पे चल रही है, तो एक आम आदमी पार्टी भी है, अब इनको चाहिए जानकारी पूरे लोगों का, तो ये मार्केट रिसर्चर नहीं, इसको स्टैटिस्टिक्स वाला मिलेगा। आम आदमी पता करेगी 35% जो युवा है, कांग्रेस पता कर रही है कि भाई युवा तो है बट उसमें से 15% जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो सब अपने अपने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कुछ कुछ बनाएंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब वाले को फोकस कर लेते हैं, कुछ कास्ट के आधार पर कर लेते हैं। मोदी जी करेगा कि भाई हमको 15% जो है वो तब नेशनलिज्म के नाम पर करना है, 10% हमको अपर कास्ट को लेना है, तो ये सब जानकारी जो है ना स्टैटिस्टिक्स वाले देते हैं, ये हर जगह होते हैं। बट मार्केट रिसर्चर जो होते हैं वो जनरली सर्वेज, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, कस्टमर ऑब्जर्वेशन, ये मार्केट को बहुत डीपली देखते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा जा रही है, कहाँ पे मतलब हिट करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बिके, है ना। अब शुगर बोट ये सब जो अचानक मार्केट में आई है एक अच्छे मार्केट रिसर्चर और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के बदौलत आई है, वरना आज से 3-4 साल पहले कहाँ थी कंपनी, कहीं कुछ पता नहीं था। तो ये सब जो होता है ना ये इन्हीं का देन होता है, कंपनी रातों रात आगे बढ़ जाती है। ये मैंने बहुत छोटा सा कहा, ये जनरली बैंकिंग वाले आजकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, गजब की चीज़ है ये। आपको न केवल शेयर मार्केट बताते हैं, स्टॉक मार्केट बताते हैं, बल्कि आपको बैंकिंग में भी अच्छा खासा, इंश्योरेंस में भी बहुत इनका आजकल नाम हो रहा है। ये क्या करते हैं, आपको ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सही है, है ना। जैसे मान लीजिए कोविड जैसे ही आया, जैसे ही कोविड आ गया, अब किसी को पता नहीं था कि राशन दुकानें बहुत चलेंगी, मान लीजिए इनको थोड़ा सा पता चल रहा था, कुछ भी इनको डेटा लेते, भाई चीन में स्थिति बहुत खराब है, तुरंत ही बोलेंगे सर जो राशन है अब 10-20 राशन दुकान खोल लो, लोन लेके खोल लो सर, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आपके पास पे है, सोचिए कोविड के स्टार्टिंग समय में अगर आपने खूब हाई फाई रेंट लेके भी, अगर रायगढ़ शहर में अगर 5 आपने दुकान खोल लिए रहते खूब बड़े, मतलब कोविड के 2 साल की कमाई में आप क्या नहीं कर लिए रहते, तो एक सही समय पे सही सलाह से आदमी कितना आगे जा सकता है। अब मान लीजिए उसमें कोई गधा था, कोविड का स्टार्टिंग हुआ था लगभग फरवरी में 2020 में, हमारे यहाँ लेट से जानकारी आई। अब मान लीजिए उस गधे ने फरवरी में ही आपसे बहुत बड़ा जिम खुलवा लिया, आपसे बहुत बड़ा ये रेस्टोरेंट खुलवा दिया और सिनेमा हॉल खुला दिया, आप तो तीनों में लॉस चले जाएंगे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, मार्केट पे बहुत नज़र रखता है पैसा कहाँ। ये जो माइक्रो और मैक्रो है ना, ये माइक्रो फाइनेंसिंग आपने आजकल नाम सुना होगा, HDB, बजाज एलियांस, बजाज फाइनेंस, ये सब इसी में घुसे हुए हैं। जना बैंक जो आज इतनी बड़ी होगी, इंडसइंड बैंक इतनी बड़ी होगी, श्रीराम फाइनेंस इतनी बड़ी होगी, ये सब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और मार्केट रिसर्चर की बदौलत है। छोटी छोटी फाइनेंस कंपनी जो थी वो आज बैंक बन के बैठी। चलिए तो ये एक आपके पास में है, तो ये भी एक नया चीज़ है। अब बात करते हैं CA के बारे में, तो हम CA तो जानते ही हैं, CA कैसे बनते हैं, कॉमर्स वाले भी बनते हैं, है ना, कॉमर्स वाले भी बनते हैं, सॉरी मैं हाथ से लिखने की कोशिश कर रहा था, कॉमर्स वाले भी बनते हैं बट मैथ्स वाले भी बन सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो किसी और दिन इसके बारे में जानकारी देंगे कि CA जो है, ये लास्ट है हमारा, कि CA जो है वो सही नहीं है कि सिर्फ आपको कॉमर्स वाले ही आपको लगेंगे। आप कॉमर्स अगर, जैसे आपने कॉमर्स इधर लिया है, उधर आपने मैथ्स लिया है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही आपको CA में बन सकते हैं, आ सकते हैं। मैथ्स वाले भी जो हैं वो आ सकते हैं CA के लाइन में, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं। CA CPT का एग्जाम देना पड़ता है, 2 बार होता है, जून और दिसंबर में, है ना, हर साल आता है। तो इसके बारे में अगर आपको रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जिस चीज़ की क्वेरी ज़्यादा आएगी उसी पर नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप अपनी क्वेरी बेधड़क कमेंट बॉक्स में डाल सकेंगे ताकि मैं आपकी हेल्प और कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।